हे गाइस, वेलकम बैक टू शाकिर खान फिटनेस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यू फिटनेस टेस्ट दैट यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ और फॉर योर क्लाइंट्स। अगर आप वर्कआउट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अपनी फॉर फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप खुद अपने ये वर्कआउट प्रोग्राम बना रहे हो या आप किसी क्लाइंट के, अगर आप ट्रेनर हो, आप किसी क्लाइंट के लिए एक वर्कआउट प्रोग्राम बनाते हो, देर आर फ्यू फिटनेस टेस्ट जो मैं करने वाला हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको पता चलेगा कि वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड, आपका करंट फिटनेस लेवल क्या है। इन फिटनेस टेस्ट के द्वारा आप पता कर सकते हो कि आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ क्या है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ क्या है, कोर स्ट्रेंथ क्या है, कार्डियो वेस्कुलर इंड्योरेंस आपका कितना है करंटली, रेस्टिंग हार्ट रेट प्लस एलिवेटेड हार्ट रेट, आप सब चीज़ें चेक कर सकते हो और उसके हिसाब से आप एवरी मंथ अपना एक फिटनेस टेस्ट खुद कर सकते हो या फिर यही टेस्ट आप अपने क्लाइंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, द सेम फिटनेस टेस्ट। ये जो फिटनेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन 2020, ये बहुत ही खास है मेरे लिए और इसमें मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं अपनी नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोगों को हेल्प करूँ टू अचीव योर फिटनेस गोल्स एंड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की जाती है। ए टू जेड हर एक चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ इस जर्नी में, तो आप प्लीज़ इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। यू कैन फॉलो द वर्कआउट्स ऑल्सो, आई एम गोइंग टू कम अप विद द वर्कआउट सीरीज ऑल्सो। तो आज के इस वीडियो के लिए रखते हैं सिर्फ असेसमेंट तक के, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम करेंगे कार्डियो टेस्ट। तो कार्डियो टेस्ट में आपको करना है क्या है, एकदम सबसे पहले तो आपको रिलैक्स हो जाना है, आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, वार्म अप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपका रेस्टिंग हार्ट रेट हमें मेजर करना है कि आपको जब भी आप ये कार्डियो टेस्ट करते हो, रेस्टिंग हार्ट रेट लेने से पहले मेक श्योर आपने कोई कॉफ़ी या चाय नहीं पी हो, तो 4 घंटे पहले का गैप होगा तो ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, बट मैं शाम को कर रहा हूँ तो मैंने काफ़ी गैप रखा है, मैंने कोई कॉफ़ी या चाय नहीं पी है, ऑलमोस्ट 3-4 घंटा हो गया। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, 10 सेकंड के लिए मैंने अपने पल्स को हाथ लगाया और मैंने टेस्ट किया कि कितने बीट्स 10 सेकंड में आ रहे हैं एंड देन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 6। तो 10 सेकंड में मैंने 12 बीट्स मैंने काउंट किए हैं, 12 पल्स मैंने काउंट किया है और इसके हिसाब से इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम, क्योंकि 60 सेकेंड्स का आपको 1 मिनट का रेस्टिंग हार्ट रेट मापना है, तो आपको 12 6 72, सो माई करंट रेस्टिंग हार्ट रेट इज 72। सो गाइस, अब हम लोग मेजर करने वाले हैं तो अपना जो एक्टिव हार्ट रेट है आफ्टर द एक्सरसाइज, उसको हम लोग मेजर करेंगे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं 1 मिनट के लिए कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज चूज करूँगा, सो आई वुड लाइक टू गो फॉर 1 मिनट ऑफ जॉगिंग एट वन प्लेस। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करनी है, बेसिक सा आप वॉक या स्टेप अप भी कर सकते हो, तो आप 1 मिनट के लिए आप ये करना है, उसके बाद में आपको फिर से आपका पल्स चेक करना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद जॉगिंग एट वन प्लेस, 1 मिनट। ओके, सो नाउ इमीडिएटली आई एम गोइंग टू टेस्ट, पहले अपनी पल्स फाइंड कर लीजिए। ओके, आई फाउंड इट। ऑलराइट, नॉट बैड यार। तो मेरी 10 सेकेंड्स की जो रेस्टिंग, मेरी 10 सेकेंड्स की जो हार्ट रेट है, एक्टिव हार्ट रेट, वो है 20 पल्स, 20 पल्सेस इन 10 सेकेंड्स इंटू 6, तो कितना हो गया, 120 पल्स पर मिनट। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू काउंट योर रेस्टिंग हार्ट रेट एंड एक्टिव हार्ट रेट। सो आई एम गोइंग टू जस्ट नोट इट डाउन। तो ये हो गया आपका कार्डियो टेस्ट। सो गाइस, हमारा जो अगला टेस्ट हम लोग करने वाले हैं वो है पुश टेस्ट। इसके लिए मैंने थोड़ी सी डायनेमिक स्ट्रेचेस कर ली है। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप पुश टेस्ट या और भी जितने भी फिजिकल स्ट्रेंथ वाले टेस्ट अगर आप करोगे, तो इट्स बेटर यू डू सम डायनेमिक स्ट्रेचेस, अपनी मोबिलिटी, जॉइंट की मोबिलिटी थोड़ी कर लीजिए। और अगर आपको वार्म अप का, डायनेमिक स्ट्रेचेस का अगर आपको वीडियो देना देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर अपना लिंक डाल दूंगा डायनेमिक स्ट्रेचेस, डायनेमिक वार्म अप का, दैट यू कैन डू बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट, एंड दो सेम वार्म अप एक्टिविटीज, दो सेम डायनेमिक स्ट्रेचेस यू कैन डू बिफोर यू स्टार्ट एनी एक्सरसाइज। ओके, तो पुश टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं पुशअप्स। तो आपको देखना है कि आप कितने पुशअप्स कर सकते हो। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड गाइस, सो द एक्चुअल फेलियर
आपको तब नहीं आएगा जब आप पूरी तरह से गिर जाते हो। एक्चुअल फेलियर आपका तब होगा जब आपका फॉर्म आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो वहां पर आपको रुक जाना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो आई वॉज एबल टू डू ओनली 25 पुशअप्स। दिस इज माई करंट पुश स्ट्रेंथ। ओके, इसके बाद में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं लो बॉडी स्ट्रेंथ। तो एक और प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा, आप जो भी टेस्ट करोगे उसके बीच में आप, बिकॉज यू आर डूइंग अ फिटनेस टेस्ट, दिस इज नॉट योर एक्चुअल वर्कआउट, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप हर एक टेस्ट के बीच में रेस्ट इतनी लीजिए कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। क्योंकि अगर आपका हार्ट रेट एलिवेटेड है, आपके मसल सोर है और आप दूसरा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो मे बी यू वोंट बी एबल टू गिव द एक्चुअल, जो आपका स्ट्रेंथ है वो आप नहीं देख पाओगे। तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो बीच बीच में, और उसके बाद में जब आपका ब्रीदिंग और हार्ट रेट रिकवर हो जाए एटलीस्ट, उसके बाद में आप फिर दूसरा टेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम लोग करेंगे वॉल सिट, और उसको हम लोग टाइम करेंगे कि आप कितनी देर तक वॉल सिट होल्ड कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। So when you're doing the wall sit, make sure you take a distance. When you go down, first thing, your thighs should go parallel to the floor and you should be making a 90 degree angle on your knee. Start. And touch your head on the wall. Keep your hand in front. Don't keep your hands down. You can keep it on your waist or you can keep it in front. Lekin yahan par nahi rakhna hai, help nahi lena. Let's see how long I can hold this. I'll aim for 1 minute at least. My legs are shivering literally. Oh man. 1 minute 10 seconds. So that's my current lower body strength. 1 minute 10 seconds. I'll just note it down. So guys, hamara agla स्ट्रेंथ टेस्ट होगा कोर स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कोर स्ट्रेंथ को आप दो तरीके से टेस्ट कर सकते हो, या तो आप पार्शियल क्रंचेस कर सकते हो एज मेनी रेप एज पॉसिबल, या फिर आप प्लैंक होल्ड कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग जिनका प्लैंक का स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन वो फॉर पार्शियल क्रंचेस, तो पार्शियल क्रंचेस में आपको क्या करना है, आपको सीधा लेट जाना है और यहाँ पर आपको हाथ रख के मेक श्योर यू क्रॉस द नी एंड गो अहेड। ये इतना ही करना है, मतलब पूरा बॉडी को ऊपर नहीं उठाना, सिर्फ अपर स्पाइन को कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल, और आपको आप जितनी बार ये पार करोगे ओनली दोज रेप्स आर काउंट। ओके, अगर आप ये पार नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ यहाँ तक ही उठ पा रहे हो, दैट इज योर फेलियर। उसके आगे आपको एक भी रेप नहीं करना है। सो दैट इज फॉर द वेरी बिगिनर पीपल, बट जो थोड़े मॉडरेट लेवल के एडवांस लेवल के हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा, गो फॉर द एल्बो प्लैंक। होल्ड योर एल्बो प्लैंक, और एल्बो प्लैंक से आप अपना कोर टेस्ट कर सकते हो। तो होल्ड इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, इसका भी हम टाइम लेंगे। लेट्स सी हाउ लॉन्ग आई कैन होल्ड। स्टार्ट। एल्बो एग्जैक्टली बिलो योर शोल्डर, लेग शुड बी हिप विड्थ। डोंट होल्ड योर हैंड लाइक दिस, कीप योर हैंड शोल्डर विद अपार्ट। थोड़ा सा हाथ स्लिप हो रहा है, लाइक टाइल्स थोड़ी स्लिपरी है, बट इट्स गुड, इट्स मोर चैलेंजिंग। ओके, मुझे मैट ले लेना चाहिए था, एल्बो वॉज हर्टिंग। एनीवेज, आई वॉज एबल टू डू ओनली 1 मिनट। तो कोर टेस्ट में हम लोगों ने किया है 1 मिनट एग्जैक्टली। अभी गाइज, नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारा, जो सबसे सेकेंड लास्ट टेस्ट है, पुल टेस्ट। पुल टेस्ट के लिए इट्स बेटर यू गो फॉर रॉड पे आप चिनअप्स कीजिए। यू कैन गो फॉर क्लोज ग्रिप चिनअप्स और वाइड ग्रिप पुलअप्स, जो भी आप कर सकते हो उसके रेप्स आप काउंट करके देखिए आपका करंट स्टेटस क्या है। बट अभी क्योंकि मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, मे बी इन द मॉर्निंग आई ट्राई टू गो अप इन द टेरेस एंड आई विल रिकॉर्ड दैट ऑल्सो। बट अभी के लिए मैं आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन देता हूँ टू टेस्ट योर पुल टेस्ट। तो या तो आप डंबल्स ले सकते हो,
डंबल्स के साथ कर सकते हो या फिर आप ले सकते हो रेजिस्टेंट केबल। मैं रेजिस्टेंट केबल के साथ आपको पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो आई वुड डू बाइसेप कर्ल। तो मैंने जो केबल मैंने लिए हैं, नेक्स्ट टाइम मैं जब अपना कोल टेस्ट करूंगा तो मैं यही केबल यूज करूंगा। मैंने एक ब्लैक और एक ब्लू केबल अटैच किया है। तो इससे आपको देखना है, इधर यू डू इट विद द डंबल और यू डू विद द केबल या कोई और रेजिस्टेंस आप ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, एकदम करेक्ट परफेक्ट फॉर्म में बिना ज़्यादा मूवमेंट किए हुए, बिना शोल्डर आगे पीछे किए हुए एक ही जगह पे रुकना है और आपको कर्ल करना है। मेंटेन द टेम्पो, देखिए आप कितने ज़्यादा कर्ल्स कर सकते हो। फोर ट्वेंटी 30। सो दैट वॉज द पुल टेस्ट। तो पुल टेस्ट में मैंने कर्ल्स किए हैं विथ रेजिस्टेंट केबल विथ अ ब्लू एंड अ ब्लैक बैंड। ये हमें याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम एक महीने बाद जब मैं टेस्ट करूंगा तो यही चीज से करना है मुझे। आई जस्ट नोट डाउन दिस थिंग एंड द नेक्स्ट टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इज फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। सो गाइस, दिस इज द लास्ट फिटनेस टेस्ट दैट वी आर डूइंग। सो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने, बिकॉज मेरे पास अभी फिलहाल एक टेप नहीं है, ब्लैक टेप से मुझे चिपकाना था यहाँ पर, बट अभी क्योंकि टेप नहीं है तो मैंने एक टाई का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये मिड पॉइंट 15 पे रखा है। तो 15 इंचेस ऑन दैट साइड एंड 15 इंचेस ऑन द अदर साइड। अब ये बीच में जो पॉइंट है यहाँ पर मैं हील्स रखूँगा। आई शो यू हाउ टू टेक द फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो अब देखिए इसको कैसे टेस्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, बैक मेरा जो लंबार है, जो नीचे का जो मेरा बोन है, टेल बोन है, लंबार जो है मेरा वो मैं पूरा टच कर दूँगा कबर्ड पे। पूरा बैक, पूरा स्पाइन टच कर दिया मैंने। आप देख सकते हो मेरे हील्स जो है वो टाई को टच हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ से मैं ज़्यादा बाउंस नहीं करूँगा। आई विल जस्ट रीच वंस एंड आई विल नोट दैट। ओके, एंड विदाउट बेंडिंग द नी, विदाउट मूविंग एनीथिंग, आई जस्ट गो स्ट्रेट डाउन। ओके, एक और बार ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स टेक दिस डाउन वन लास्ट टाइम। टेक एन एवरेज ऑफ 3। ओके, सो टेकिंग द एवरेज ऑफ 3 टाइम्स, मैं यहाँ पर टच कर रहा था 17.5 पे। तो मेरा करंट फ्लेक्सिबिलिटी लेवल जो है वो 17.5 है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू नोट दैट डाउन। और एक प्रो टिप आपको देना चाहूँगा कि आप फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हमेशा सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मसल्स वार्म होने चाहिए। अगर आप बिना वार्म अप किए या बिना कुछ एक्सरसाइजेस किए अगर आप डायरेक्ट बेंड करने जाओगे, आपके मसल स्ट्रेच नहीं होने वाले। ऑलराइट, तो दिस वाज माय करंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस वाज माय करंट फिटनेस स्टेटस। और इसके हिसाब से मैं अपने वर्कआउट प्लान करूंगा, मैं अपने वर्कआउट प्रोग्राम को डिज़ाइन करूंगा और आप लोगों के साथ में मेरे वर्कआउट प्रोग्राम को शेयर करूंगा, जो आप भी फॉलो कर सकते हो। आप मेरे साथ साथ जो भी मैं कर रहा हूं इस पूरी जर्नी में आप मेरा साथ दे सकते हो। यू कैन डू ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग टू इम्प्रूव योर फिटनेस लेवल। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।